महायोजना 2031 पर आए आपत्तियों की अपर आयुक्त रामाश्रय ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सुनवाई की, जिसके संबंध में अपर आयुक्त रामाश्रय ने बताया कि महायोजना 2031 पर आए आपत्तियों की सुनवाई की जा चुकी है, जिसमें कुल 12,000 नागरिक शामिल हैं। इन सब में कुछ नागरिक सुनवाई में नहीं आ पाए थे, जिसको देखते हुए GDA ने निर्णय लिया है कि उन छूटे हुए व्यक्तियों की भी एक हफ्ता अलग से कार्यशाला करके सुनवाई की जाएगी, जिसको देखते हुए सुनवाई की जा रही है, जिसमें अधिकतर लोगों ने बताया कि हम लोगों का मकान बन चुका है, इसलिए उस क्षेत्र को आवासीय किया जाए। उन्होंने कहा महायोजना कमेटी सभी नागरिकों की आपत्तियां सुन रही है, जो कि शनिवार तक होगी। अगले सप्ताह से आपत्तियों का मोहल्ले वाइज निस्तारण किया जाएगा। सभी आपत्तियों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड कमेटी सभी आपत्तियों पर विचार करके महायोजना में रखकर पास कर देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त रामाश्रय ने कहा भूषण और बहुत लोग आए सचिवालय देवी दोनों में है। जी सर, क्या चाहते हैं आप? सर इसको खुला मार्ग घोषित कर दिया गया है। अच्छा, जो अभी आप क्या चाहते हैं? इसको आवासीय करना सर। आवासीय करना है दोनों में? जी सर, दोनों ही का है। ठीक, इतने आ गए हम तो 40-50 से ऊपर आ गए। मुझे तो इसे जंगल धूसर से तो समस्या हाँ, क्या मामला है सर? ये पार्क में दिखा रहा है। आप क्या चाह रही हैं? हम क्या चाह रहे हैं बताओ। अब तो मकान बना हुआ है पूरा, अच्छा मकान बना हुआ है ना। हाँ, आवासी चाह रही हूँ। हाँ ठीक, देखिए इसमें जो है जो हमारी महायोजना जो प्रकाशित की गई है उसके संबंध में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आवासीय या व्यावसायिक किया जाए, क्योंकि हमारे घर बन चुके हैं या दुकान बन चुके हैं। अब इसमें कमेटी सबकी आपत्तियां सुन रही है। कुल 12,000 के आसपास आपत्तियां आई थी, इसमें एक बार सबकी सुनवाई के लिए समय दिया गया। दोबारा जो बचे हुए थे उनके लिए इस हफ्ते सुनवाई की जा रही है, शनिवार तक होगी। इसके बाद मोहल्लेवार चरणवार इसके आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा कमेटी द्वारा, और उसको बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब उसमें जो निर्णय होगा वो सामने आएगा। तो लगभग सर किस तरह के मामले हैं, किस किस क्षेत्र के अलग अलग जैसे बाढ़ है यहाँ पे? जैसे महादेव झारखंडी है, उसके टुकड़ा नंबर 1, 2, 3 जंगल धूसर है, कई मोहल्ले हैं। पूरे मोहल्ले में कम से कम मैंने यही है कि मेरा आवास बन चुका है, दुकान है कुछ, तो ये भी आ रहे हैं साहब हाईवे फैसिलिटी घोषित कर दिया गया है। हाईवे फैसिलिटी में उनकी ज़मीन अभी ली नहीं जा रही है, वो चाहे खुद भी हाईवे के लिए जो भी फैसिलिटी आवश्यक होती है, जैसे ढाबा है, कोई मरम्मत है गाड़ियों का, इस तरह का जो माने दुकान आदि, पार्ट्स के दुकान आदि खोल सकते हैं स्वतः।